Assalamu alaikum. We have covered chapter number 1. So, now we're going to start the exercises. Although, kuch exercises ke questions maine diye hue the homework ke liye, but let's do it together. We will first cover section number B, short answers. Section A is MCQs. Okay. So, the first question, section B is differentiate between the physical and analytical chemistry. Physical or analytical chemistry, beech mein jo farak hai, wo main batana hai. Physical chemistry deals with the laws and principles governing the combination of atoms and molecules in chemical reaction. यानी chemical reactions में किस लिहाज से atoms और molecules आपस में combine होते हैं, कौन से कानून इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग physical chemistry के अंदर cover करते हैं. Analytical chemistry deals with the qualitative and quantitative study of the components in a chemical. एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम ये चीज़ स्टडी करते हैं कि कोई भी हमें जो केमिकल गिवन है, कोई भी सब्सटेंस गिवन है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो कितने अमाउंट में, कितने मिकदार में मौजूद है. तो यानी क्वालिटेटिव मतलब कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, किस चीज़ से वो बना हुआ है. क्वान्टिटेटिव मतलब कि वो कितने मिकदार में, कितने अमाउंट में वो चीज़ मौजूद है उस कंपोनेंट के अंदर. क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है वो हमें बताना है. मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स. मॉलिक्यूल्स को 6 टाइप्स में, 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, तब डिवाइड किया गया है. फर्स्ट टाइप इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ वन एटम हो उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. डायटॉमिक मॉलिक्यूल. Molecule that consists of two atoms, hydrogen gas is, for example, hydrogen gas is called diatomic molecule. ऐसा molecule जिसके अंदर two atoms मौजूद हो उसको diatomic molecule कहते हैं. Triatomic molecule, molecule that consists of three atoms, यानी ऐसा molecule जिसके अंदर three atoms मौजूद हो उसको triatomic molecules कहते हैं. Polyatomic molecules, molecule that consists of many atoms, यानी तीन से ज़्यादा हो तो ऐसे या बहुत सारे हों किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स. लाइक ग्लूकोज के अंदर है तकरीबन 24 एलिमेंट्स, 24 एटम्स हैं, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन. 6 प्लस 12 इज 18, 18 प्लस 6 इज 24. तो 24 एटम्स हो गए. इन बहुत सारे अगर मिकदार में मौजूद है किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स, दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. देन वी हैव होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. होमो मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बना हुआ हो. लाइक हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है H2, उसके अंदर दो सेम हाइड्रोजन मौजूद है, सो इट्स एन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. इसी तरीके से हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, यानी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से बने हुए होते हैं, मुख्तलिफ एटम्स से बने हुए होते हैं, उनको हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. सो दीज आर द 6 टाइप्स जिसकी क्लासिफिकेशन की गई है ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस अमंग द फॉलोइंग. ए एटम एंड आयन. नंबर 2, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन. नंबर 3, कंपाउंड मिक्सचर. यानी इन सब में हमें डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या फर्क है. नंबर 1, डिफरेंस है बिटवीन एटम एंड आयंस. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट को हम एटम कहते हैं. आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड का सबसे स्मॉल यूनिट होता है उसको आयन कहते हैं. एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. एटम तन्हा भी, अकेला भी मौजूद हो सकता है और वो किसी और से रिएक्ट करके भी मौजूद हो सकता है. उसके पास चॉइस होती है, दोनों सिचुएशन में वो एग्जिस्ट कर सकता है और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. यानी केमिकल रिएक्शन जो हो रही होती है वो एटम के साथ हो रही होती है. आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाई पॉजिटिवली चार्ज आयन्स. आयन्स जो होते हैं वो अपने बलबूते पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अकेले जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और ये हमेशा जो है अपोजिट चार्ज होता है. अगर लाइक सपोज पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द नेगेटिव आयन मौजूद होंगे. अगर नेगेटिव आयन मौजूद है तो वो पॉजिटिव के इर्द गिर्द घूम रहा होगा. यानी इस तरह से वो जो अपोजिट चार्ज होते हैं आयन्स के, वो हमेशा एक दूसरे के इर्द गिर्द सराउंड कर रहे होते हैं. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम का अगर हम देखेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, तो उनकी जो चार्ज होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी. आयन हैज़ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. इसमें या तो इलेक्ट्रॉन की नंबर ज़्यादा होंगे या प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा होंगे. यानी इसमें क्या होगा कि क्योंकि इसके नंबर के डिफरेंस आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो इसलिए इनके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा.
नाउ वी हैव सेकेंड डिफरेंस फाइंड करना है हमें बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड. यानी किसी भी केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है और उसके पास अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ मौजूद होती हैं. मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मॉलिक्यूल. यानी कि मॉलिक्यूल जब अपना आयन लूज करता है या गेन करता है तो वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन में तब्दील हो जाता है. मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल. मॉलिक्यूल जो हैं वो न्यूट्रल फॉर्म में होंगे यानी उनके भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इक्वल होंगे हमेशा, तो उसकी वजह से वो न्यूट्रल चार्ज रखेंगे. जबकि मॉलिक्यूलर आयन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो उसकी वजह से उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा. मॉलिक्यूल इज स्टेबल यूनिट. यानी मॉलिक्यूल जो है रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होता. मॉलिक्यूलर आयन इज रिएक्टिव स्पीशीज. यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, ये हमेशा रिएक्शन के लिए तैयार होता है. मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं. जबकि मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म बाय द आयनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. यानी कि जब मॉलिक्यूल आयनाइज जाता है, आयनाइज का मतलब है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, तो उस प्रोसेस की वजह से जब मॉलिक्यूल के अंदर एक आयनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो मॉलिक्यूलर आयन तैयार करता है. एंड द लास्ट वन इज कंपाउंड एंड मिक्सचर. कंपाउंड इज फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स. एटम्स जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं दे फॉर्म कंपाउंड. जबकि मिक्सचर इज फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस. मिक्सचर जो है जब सिंपल मिक्सिंग होती है, फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, मिलावट होती है, तो वो मिक्सचर तैयार करता है. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड लूज द आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज. यानी कि जब वो कंपाउंड तैयार होता है तो वो अपने जिस एलिमेंट से बना हुआ होता है वो वाली प्रॉपर्टीज वो नहीं रखता, तब्दील हो जाती है इसकी प्रॉपर्टीज. जबकि मिक्सचर के अंदर क्या होता है, वो जिस भी एलिमेंट से बना होगा, जिस चीज़ से बना हुआ होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी खसूसियात होंगी, वो उसके अंदर मौजूद होंगी. कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास. कंपाउंड्स की जो रेशियो होता है आपस में एटम्स का, वो फिक्स होता है, वो तब्दील नहीं होता. मिक्सचर हैव नो फिक्स कंपोजिशन बाय मास. मिक्सचर के अंदर जो मास होता है वो फिक्स नहीं होता, वो तब्दील होता रहता है. यानी कि वो जिस चीज़ से बना हुआ है उसकी कभी रेशियो ज़्यादा कभी कम हो सकती है. कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. कंपाउंड्स के जो बनावट है वो हम लोग आम आसान फिजिकल मीन्स के फिजिकल तरीके से उसको अलग नहीं कर सकते. जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को वी कैन सेपरेट दैम बाय फिजिकल मीन्स. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास. यानी इनकी हमें डेफिनेशन बतानी है कि व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज ग्राम फॉर्मूला मास. द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन मोल. यानी किसी भी एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं फ्रॉम यूजिंग द यूनिट ग्राम. यानी एटॉमिक मास का यूजुअली जो यूनिट होता है वो है AMU, एटॉमिक मास यूनिट. लेकिन अगर उसकी जगह पे हम ग्राम यूज करें, दैट इज नॉन इज ग्राम एटॉमिक मास. उसकी एग्जाम्पल दे दी, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम. ये इसका उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव ग्राम मॉलिक्यूलर मास. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास का यूनिट असल में है एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अगर हम ग्राम यूज करें तो बन जाते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास. एंड देन वी हैव सी ग्राम फॉर्मूला मास. द फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास. यानी कि फॉर्मूला मास जो आयनिक कंपाउंड का है, इफ़ यू गोना एक्सप्रेस इट यूजिंग ग्राम, तो उसको हम ग्राम फॉर्मूला मास कहते हैं. राइट डाउन द केमिकल, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग. यानी इनका केमिकल फॉर्मूला पहले लिखना है, फिर उसी को एम्पेरिकल फॉर्मूला में चेंज करना है, एंड देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज करना है. सल्फ्यूरिक एसिड का लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है, ग्लूकोज का लिखना है, बेंजीन का लिखना है. इन चारों का केमिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला में लिखना है. सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है H2SO4. मॉलिकुलर फार्मूला में भी H2SO4 है. अब क्योंकि 2 और 4 आपस में जो है वो क्या कहते हैं कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन एस के पास कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है, तो यानी कि हम रेशियो के साथ इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका सेम रहेगा. कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला इज CO2. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CO2 है. अगेन सी के पास सब्सक्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ राइट हैंड साइड पे, इसका मतलब है 1 है, और 1 और 2 का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो 2 सेम ही आएगा, तो इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम ही रहेगा. इन ग्लूकोज वी हैव C6H12O6. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. एंड देन 6 रेशियो 12 रेशियो 6. 6 की टेबल ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो 6 का बन जाएगा 1, 12 बन जाएगा 2 एंड 6 बन जाएगा कैंसिल होके 6, 1 ही रहेगा वो. सो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा CH2O. बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला है C6H6 एंड द मॉलिक्यूल फॉर्मूला इज C6H6. जब हम लोग इसका रेशियो सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम CH. सो ये आपका टेबल हो गया केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूल फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला का. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल की डेफिनेशन बतानी है हमें. Free radicals are atoms and groups of atoms having a number of unpaired electrons. They are very reactive species, chemical species. It is represented by putting a dot over the symbol of an element. Free radicals उन atoms को कहते हैं जिनके पास unpaired electrons हो, यानी कि जो electrons होते हैं वो आपको शुरू में बताया था कि वो आपस में pairing कर रहे होते हैं, यानी दो दो के साथ वो आपस में attach होके orbitals में मौजूद होते हैं. But अगर वो आपस में attach ना हुआ हो, लाइक इसके partner नहीं बना हुआ हो, तो वैसे atoms को हम लोग free radicals कहते हैं. और क्योंकि एक electron उसके अंदर free घूम रहा होता है, उसके पास कोई partner नहीं होता, इसी वजह से free radicals बहुत ज़्यादा reactive होता है. और इसको हम लोग show करते हैं dot से, यानी किसी भी element के ऊपर हम dot डाल देंगे. सपोज हम ले लेते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का अगर फ्री रेडिकल होता है तो फिर वो फिर हम उसको डॉट उसके एन के ऊपर डॉट लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्सप्लेन एग्जांपल्स. एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो मैथमेटिकली हमें शो करना है और फिर एग्जांपल्स भी देना है. An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. While a molecular formula shows the exact number of different type of atoms present in a molecule of a compound. यानी empirical formula क्या करता है कि जो भी atoms मौजूद है जिस भी amount में उसका एक ratio निकाल देता है, simplest ratio निकाल देता है, तो वो बन जाता है हमारा empirical formula. जबकि molecular formula exact number show करता है कि कितने atoms मौजूद है, कौन कौन से atoms मौजूद है. तो mathematically इनका relationship क्या हुआ, that molecular formula is equals to empirical formula times n. यानी कि जो भी multiple होगा, यूजुअली जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मल्टीपल होता है. ठीक है, लाइक सपोज यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे दिया लाइक सपोज उसके ही थ्रू. तो अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहला ले लेते हैं C3H6O3, तो उसमें क्या हुआ 3, 6 और 3. इसमें हम लोग 3 के टेबल लगाएंगे तो 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, 3 times 1 is 3. CH2O इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया. यानी फर्स्ट एग्जाम्पल में एन की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में अगर आप सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, C के साथ कुछ भी नहीं है तो यानी 3 है, सॉरी 1 है, तो 1 times 3 is 3. देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पहले में C3 लिखा हुआ है. H2 है, टाइम्स 3 कर देंगे, 2 times 3 is 6. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखें H6 हुआ हुआ है. ओके, राइट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी 1 कंसिडर करेंगे, 1 times 3 is 3, तो 3 हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. तो यानी फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में एन की वैल्यू होगा हमारे पास 3. सेकेंड एग्जाम्पल में वी हैव C10H14N2. अब इन तीनों पर सिर्फ 2 की टेबल लग सकती है, 2 times 1, 2 times 7, 2 times 5. इस तरीके से तो C5H7N1 हो गया. तो क्योंकि हमने 2 की टेबल लगाई थी तो इधर सेकेंड वाले एग्जाम्पल में n की वैल्यू है 2. थर्ड एग्जाम्पल में C12H22O11. अब C12 और H22 2 की टेबल लग सकती है, लेकिन फिर वो ओ 11 पे नहीं लगी क्योंकि 11 2 की टेबल में नहीं आता. लेकिन अगर हम इसमें देख लें ओ और एच को कंसिडर करेंगे तो 11 की टेबल लगती है, लेकिन 11 की टेबल सी में नहीं लगती. तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों पे लग रही हो. तो इसका मतलब यह है कि हम इसको एज इट इज़ एम्पिरिकल फॉर्म में डाल देंगे. तो यानी अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म मिल जाएगा. तो थर्ड एग्जाम्पल में जो एन की वैल्यू है वो है 1. यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंप्लीफाई कर देता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला का. तो ये रेशियो, ये रिलेशनशिप है बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. ओके, सो शॉर्ट आंसर इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसीडर्ड एज एलिमेंट्स वेयर एज वाटर इज कंपाउंड. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट हैं, वाटर कंपाउंड है, ये हमें कैसे पता चला, क्यों इसको हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट कह रहे हैं और वाटर को कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, ये हमें बताना है. तो इसका आंसर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम, हेंस दीज आर कंसीडर्ड एलिमेंट्स. यानी अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट लेंगे तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हमें हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे. इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ हमें ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे. ठीक है, तो इसी, क्योंकि इनके पास सेम काइंड ऑफ एटम्स मौजूद हैं, तो इसी वजह से हम हाइड्रोजन को एलिमेंट कंसिडर करते हैं एंड ऑक्सीजन को भी एलिमेंट कंसिडर करते हैं.
Whereas, जबकि वाटर इज मेड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स सच एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब वाटर क्या है, वो H2O है, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इसके अंदर मौजूद है. जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मौजूद होता है तो डेफिनेशन के हिसाब से वो कंपाउंड होता है, एलिमेंट नहीं होता. एलिमेंट के लिए सेम काइंड ऑफ एटम का होना लाजमी है. तो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट हमें सेम काइंड ऑफ एटम हमें H एंड O में मिलता है, सो दे आर एलिमेंट्स. जबकि H2O में डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं, तो आपके पास जो H2 है वो आपका कंपाउंड हो जाएगा. सही, तो शॉर्ट आंसर्स यहाँ तक है. प्लीज मेक श्योर टू राइट इट नीटली यूजिंग ब्लैक पेन, ब्लू मार्कर एंड ब्लू पेन नीटली, एंड मेक श्योर टू फिल अप योर इंडेक्स. अल्लाह हाफिज़.